प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं, ये काफिला उनका निकल रहा है और बताया जा रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी के घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, उनसे मिल रहे हैं। दो जो आप अगर आप माने इसको, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यही खबर है, दोनों ही, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, दोनों से ही मिलने जा रहे हैं। इसी के साथ वो रामनाथ कोविंद से भी मिलेंगे, पूर्व राष्ट्रपति से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद, और जब ये सुनिश्चित हो गया है कि वही देश के तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री 2024 में बन रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के उस दिग्गज से मिलने गए हैं जिन्होंने एक वक्त पर रथ यात्रा के साथ राम मंदिर को देश की राजनीति के सेंटर में वो लाए थे। सोमनाथ से उन्होंने उस रथ यात्रा की शुरुआत की थी और बिहार होते हुए जहां पर उन्हें अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन ये 91-92 की बात है। उसके बाद से परिस्थितियां बदली, कांग्रेस पार्टी शासन में आई, हालांकि ये एक अलग कहानी वो है क्योंकि इस बार अयोध्या की सीट, 5 वहां पर असेंबली सीट्स हैं, अयोध्या शहर अगर छोड़ दें तो वहां पर हार हुई है फैजाबाद सीट से बीजेपी की, लेकिन वहां पर लाल कृष्ण आडवाणी से वो मिल रहे हैं। इसी के साथ मुरली मनोहर जोशी से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे, तो वो ये बताया जा रहा है कि वेंकैया नायडू से भी उनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन चूंकि वो राजधानी दिल्ली में मौजूद नहीं है इसलिए उनसे मुलाकात उनकी नहीं होगी। ये तस्वीर आज की अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मिलने की तस्वीरें आ जाएंगी। कई बार आरोप लगे, कई बार सवाल खड़े किए गए, कई बार प्रश्न इस बात को लेकर कि क्या जो जगह लाल कृष्ण आडवाणी है या उनको, हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी वहीं से जुड़ गए हैं, लेकिन इन तमाम प्रश्नों के बीच आज संसदीय दल का नेता चुने जाने के साथ ही हिमांशु लाल कृष्ण आडवाणी मुरली मनोहर जोशी से मिलना, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेता, सर्वोच्च नेता, उस नेतृत्व को अपना सम्मान देने पहुंच रहे हैं जिनके आशीर्वाद से ये पार्टी बढ़ी, आगे बनी, सींची गई। ऑन करिए सर, ऑन करिए सर, सर जैसे ही हिमांशु से, ये हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु आवाज आ रही है? हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं, वो मुरली मनोहर जोशी से भी मिलेंगे, उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से। अंजना ये सीधी तस्वीर, हाँ बताइए हिमांशु बताइए। ये अंजना सीधी तस्वीरें आप देख सकती है, यहाँ से तमाम जो सिक्योरिटी है वो पहले यहाँ पे पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और ये एक संदेश देना है, जिस तरीके से हमने देखा कि कई बार 75 साल को लेकर के भी जब आरोप लगता रहा है कि 75 साल पे रिटायरमेंट की बात है, तो ये एक संदेश देना चाहते हैं। और आप देखिए यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा के उपाय हैं वो कर लिए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ कुछ भारतीय जनता के जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पर आने वाले हैं। और ये जैसे ही उन्होंने इस तरीके का ऐलान किया कि वो लोग यहाँ पे जाने वाले हैं, तो साथ ही साथ यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा के उपाय हैं वो कर लिए गए, तो किसी भी क्षण यहाँ पे प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं। जैसे ही पीएम वहां पर पहुंचते हैं हम सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे, आप बताइएगा। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी के घर वो पहुंचे हैं, उनसे मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कई बातें आज वहां पर कही हैं। अगर आप पूरी परिस्थिति को देखें तो ये एक कोशिश है कि आज जब उन्हें संसदीय दल का नेता एनडीए की तरफ से चुना गया है, आज प्रधानमंत्री ने जब वो अंदर अपना बयान दे रहे थे, उन्होंने ये भी कहा था कि ये वो एनडीए है जिसको एक वक्त पर अटल जी ने सींचा, जिसको एक वक्त पर उन्होंने बादल फैमिली के मुखिया की बात की, प्रकाश सिंह बादल की, उन्होंने बात की बाला साहब ठाकरे की, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने भी बाला साहब का वहां जिक्र किया था। और ये जिन नेताओं ने पार्टी को सींचा, इस गठबंधन को सींचा, उन सबको सम्मान देना आज जबकि उन्हें नेता चुना गया है, ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है। क्योंकि कई बार होता है कि आप अनदेखी कर रहे हैं पुराने नेताओं की और विपक्ष हमेशा हमलावर रहता है लाल कृष्ण आडवाणी के नाम पर। हालांकि उनके दुश्मन नंबर एक लाल कृष्ण आडवाणी थे जब वो रथ यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने के लिए पीएम पहुंचे तो एक मैसेज देने की कोशिश है। हिमांशु
जी बिल्कुल, देखिए और सबसे बड़ी बात है ये एक ऐतिहासिक क्षण है जब लगातार 3 बार एनडीए के प्रधानमंत्री बीजेपी के प्रधानमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, तो उसके पहले ये एक देखिए पूरा जो मैसेज है वो न सिर्फ दिया गया, साथ साथ ये बताने की भी कोशिश है कि जिन लोगों ने मेहनत करके पार्टी को खड़ी की, 2 सीट थी एक वक्त था कि भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन उसके बाद बढ़ते बढ़ते 2019 में हमने देखा कि 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी जो अब तक का मैक्सिमम है, और उसके बाद इस बार हालांकि सीटें कम आई लेकिन प्रधानमंत्री एनडीए के मोदी ही चुने गए हैं, तो इसके बाद वो यहां पर पहुंच रहे हैं, और चूंकि लगातार तीसरी बार देखिए यहां पर अगर मैं तस्वीरें आपको यहां की दिखाऊं तो आप देखिए ये पृथ्वीराज रोड है, तस्वीरें भी आ जाएंगी, मैं लौटूंगी आपके पास। कवरेज जारी है हमारी, पीएम संसदीय दल के नेता चुन लिए गए हैं, तीसरी बार मोदी सरकार मोदी 3.0 की हो रही है शुरुआत, मिलने गए हैं लाल कृष्ण आडवाणी।